नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। कर्नाटक के जो चुनाव नतीजे आए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के जो ख़ास तौर से मराठी मीडिया चाणक्य बोलते हैं, शरद पवार, वो अचानक उत्साह में भर गए हैं। उन्होंने रविवार को अपने यहाँ एक बैठक बुलाई और फिर से अभी 10 दिन पहले ही वो एमबीए को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के, आगे के चुनाव हैं उन तक एमबीए रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कर्नाटक के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी हारी, कांग्रेस वहां जीती, वैसे ही शरद पवार को लगा कि नहीं नहीं एमबीए को पकड़े रहो, और एमबीए के जो घटक दल हैं उनकी बैठक अपने आवास पर बुलाई। उसमें जाहिर है एमबीए के जो तीनों घटक दलों के नेता थे वो वहाँ मौजूद थे, विचार विमर्श हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें दावा किया गया कि सीटों के तालमेल को लेकर के शुरुआती चर्चा हो गई है, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। वो सारा कुछ तो हम समझने की आज कोशिश करेंगे ही इस प्रोग्राम में, पर हम थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या कर्नाटक की जीत से विपक्षी दलों को कोई फार्मूला मिल गया है क्या 2024 के लिए, और ये फार्मूला क्या है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। पर ध्यान रहे, शरद पवार राजनीति के एक्सपीरियंस्ड और चतुर खिलाड़ी तो हैं, और बेवजह वो ना तो कोई बैठक बुलाते हैं, ना बयान देते हैं, ना पोजीशनिंग करते हैं। तो शरद पवार के मन में इस समय क्या चल रहा है, और उनके अपने घर में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, क्या वो अब उन लड़ाई झगड़ों से बाहर आ गए हैं, तो ये भी थोड़ा सा पता करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, और दोनों से ही आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, वो दोनों ही लोकप्रिय हैं। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं अंजू पंकज। अंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और दर्शकों को भी नमस्कार। और ठाणे मुंबई से जुड़ रहे हैं अश्विन अघोर। अश्विन जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अश्विन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जी, अचानक उत्साह से भर गया है एमवीए, अचानक उत्साहित हो गए हैं शरद पवार, संजय राउत, इसके अलावा कांग्रेस की लीडरशिप, और आप कह रहे हैं कि सभी स्तरों के चुनाव हम मिलकर के लड़ेंगे, चाहे लोकल बॉडीज के हों, विधानसभा हों, लोकसभा हों। जब कोई दो तीन दल मिलकर के इस तरह की बातें करते हैं, तो सबसे पहले तो वो यही स्वीकार करते हैं हम मिलकर लड़ेंगे, यानी एक एक हम कमज़ोर हैं, हमें एकजुट हो जाना चाहिए तभी हम मुकाबला कर पाएंगे। तो ये एक तो बैठक क्यों बुलाई, और इसका मतलब क्या है, थोड़ा ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। सर देखिए, ऐसा है, कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि ये पूरी तरह से कांग्रेस की जीत है। इसमें ना एनसीपी का कोई कंट्रीब्यूशन है, ना उद्धव ठाकरे गुट का कोई कंट्रीब्यूशन है, ना किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन है। 100% जीत कांग्रेस की हुई है। अब उसकी वजह क्या है, ये अलग अलग वजह है, उस पर हम आगे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि उस जीत की वजह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मजबूत हुई हो रही है, या उसमें उत्साह आ गया है, या वो भाई वो आने वाले चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव, कॉर्पोरेशंस के चुनाव, नगर निगम के चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित है, और सारे के सारे चुनाव अब यही लोग जीतने वाले हैं, तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। क्योंकि कल जो बैठक हुई शरद पवार जी के घर पे संडे को, उस बैठक में ये डिसाइड किया गया, मतलब खबरें कई तरह की आ रही है। कोई कह रहा है कि लोकसभा की सीटों के बंटवारे के लिए बैठक थी, उसमें ये तय हुआ कि एनसीपी 18 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 18 सीटें लड़ेगी, उद्धव ठाकरे 12 सीटें लड़ेंगे।
और कोई कुछ और बोल रहा है। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप बाकी जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने, उसके अलावा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो अजीत पवार ने की। अब अजीत पवार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने ये कहा कि विनिंग प्रोबेबिलिटीज, मतलब चुनाव जीतने की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसी को सीट मिलेगी। अब ये बात इतनी छोटी सी नहीं है, इस बात का मतलब ये है कि आज महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा की सीटें हैं उसमें यदि महाविकास आघाड़ी का अगर हम विचार करें, महाविकास आघाड़ी के बारे में बात करें, तो महाविकास आघाड़ी के खाली कांग्रेस और एनसीपी दो ही पार्टी ऐसी है जो चाहे तो 48 सीटों पे कंटेस्ट कर सकते हैं और उसमें से कुछ जीतने की उनकी कैपेसिटी है। लेकिन मुद्दा यह है कि शिवसेना के, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास उसको, उनको यदि 12 सीटें देती है तो उनको 12 उम्मीदवार भी है क्या? क्या वो 12 लोग भी खड़े कर पाएंगे? ये उद्धव ठाकरे की आज सबसे बड़ी समस्या है। और जहां तक रही बात शरद पवार जी की, ये अब जो कर्नाटक में हुआ वो पूरे देश में होगा। सर कर्नाटक में तो ये भी हुआ था कि कांग्रेस ने कुमार को सीएम बनाया था बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए, उसका नतीजा क्या हुआ, उस कुमार स्वामी का क्या हल कर दिया राहुल गांधी ने, हमने देखा है। और इसमें मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार्गेनिंग पावर अगर किसी की बढ़ी है तो वो बढ़ी है कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने दम पे कर्नाटक के चुनाव जीते हैं, उसके वजह से अब ये जो विरोधियों का, विपक्ष का जो एक यूनिटी का एक जो फंडा चल रहा है कुछ सालों से, हम लोग अगर इकट्ठे आ जाए तो बीजेपी को हरा सकते हैं, मोदी जी को हरा सकते हैं, ये सब जो है एक ही बात पे आके ये सब रुकते हैं कि इनका नेता कौन होगा। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी के लीडरशिप में चुनाव लड़े जाए, टीएमसी चाहते हैं ममता बनर्जी, जेडीयू चाहते हैं नीतीश कुमार, जेडीएस अपना दूसरा ही नेता लेके चल रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि सबका राहुल गांधी को विरोध है, लेकिन आज कांग्रेस ये टर्म्स डिक्टेट कर सकती है, करने की पोजीशन में आ गई है कि हमने अकेले के दम पे कर्नाटक जीता है, हम जो बोलेंगे वही होगा, नहीं तो हम हमारे रास्ते, आप अपने रास्ते। तो ये सब जो है ना सर, ये बहुत प्रीमैच्योर होगा अभी ये इस वक्त ये कहना कि कर्नाटक के चुनाव की वजह से एमवीए को संजीवनी मिल जाएगी, एमवीए रिवाइव हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो अभी इनकी सीट शेयरिंग की पहली बैठक हुई है, ऐसी और बैठकें होने वाली है, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली है, एक ही मीटिंग में कभी नतीजा आता नहीं है सीट शेयरिंग का। और जहां तक रही बात शरद पवार की, तो शरद पवार ने एक बार जब बोल दिया कि महाविकास आघाड़ी पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी, हम महाविकास आघाड़ी करके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उस पे वो कायम रहेंगे इस बात की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन पूरे जो इनका जो डिस्पोजिशन है एमवीए का, वो कहां तक चलेगा? क्योंकि कांग्रेस में भी अब एक ये बात आने लगी है कि उद्धव ठाकरे को दूर रखो, उद्धव ठाकरे लायबिलिटी है, उद्धव ठाकरे को साथ में लेके चलेंगे अपना नुकसान होगा। तो उद्धव ठाकरे अब इन सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गए हैं और सब चाहते हैं कि उनको जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। तो ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और जब तक इसके लीड में शरद पवार है तब तक कोई कुछ नहीं बोल सकता कि आगे क्या होगा, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। अंजू जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो उद्धव ठाकरे के लिए एमवीए के लिए कोई राहत वाला तो बिल्कुल नहीं है। एक दो टिप्पणी उन्होंने राज्यपाल पर कर दी, एक आध स्पीकर पर कर दी, पर अगर ओवरऑल देखें तो शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, बने रहेंगे, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तो स्पीकर का भी फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के ऊपर ये दायित्व दे दिया है और इसकी संभावना ही थी कि सुप्रीम कोर्ट असेंबली या संसद के अधिकारों में, स्पीकर के या सभापति के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर मैं आपसे कुछ दूसरी बातें पूछना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले शरद पवार की एक किताब आई
उसमें उद्धव ठाकरे के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा है उन्होंने। इसके अलावा अगर हम संजय राउत के बयान देखें तो नाना पटोले के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ वो जहर उगल रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि ये एमबीए का गठबंधन है किस तरह का, जहां एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है, आदर ही नहीं है, जिसका बस चलता है वो एक दूसरे के खिलाफ या तो किताब में या कैमरों पर कुछ ना कुछ कहता रहता है। और शायद इसीलिए ये कहा गया इस बैठक के बाद कि ये जो कैमरों पर आप लपालप करते हैं, जरा ये बंद करिए एक दूसरे के खिलाफ, इससे बड़े गलत मैसेज जा रहे हैं। क्या कहेंगी सर? शरद पवार ने अपनी किताब में उद्धव ठाकरे को लेकर जो कुछ लिखा वो तो अब एक तरह से रिकॉर्ड में चला गया। जिसके साथ आपने सरकार बनाई, जिनको सीएम आपने बनाया, जिन पर इतना भरोसा आपने जताया, और जिन्हें आपने शायद सीएम इसलिए बनाया कि नौसिखिए थे, अनुभवहीन थे और उन पर वो सुपर सीएम बनकर अच्छे से काम कर सकते थे, पर आप ये सोचिए कि उन शख्स के बारे में आप अपनी किताब में लिखते हैं और फिर आप उसके बारे में बखान भी करते हैं। वो जो उन्होंने किताब का लॉन्च किया था उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा, तो आप सोचिए उसके बाद उद्धव ठाकरे क्या एमवीए में रहना चाहेंगे। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे की स्थिति तो ऐसी कि मरता क्या ना करता, वो तो ऐसे फंस चुके हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, वो कहीं जा ही नहीं सकते। उन्होंने बीच में कोशिश की कि वो बीजेपी पीएम मोदी की तारीफ भी की थी उद्धव ठाकरे ने अभी पिछले हफ्ते, तो एक तरह से इशारा था शायद घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन घर वापसी करें कैसे, अपना घर तो तोड़ के खुद ही बैठ गए। अब जैसे कि अश्विन जी बता रहे थे कि 12 सीटें एमपी की देने की बात की जा रही है कि चुनाव में 12 सीटें उद्धव ठाकरे गुट को दे देंगे, लेकिन 12 तो उनके पास नेता ही नहीं है जो चुनाव में खड़े हो पाए। तो आप सोचिए उद्धव ठाकरे कहां पहुंच गए पिछले 2.5-3 साल में, और किसकी बदौलत? शरद पवार की बदौलत। अगर आज उद्धव ठाकरे शरद पवार को लायबिलिटी लग रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इनको अपने साथ लेकर ना चला जाए, तो हो सकता है इसी मकसद से उन्हें 12 सीटें दी गई हो, ताकि वो खुद भी सोच ले कि उनको रहना है या ना नहीं रहना है। फिर वो 12 सीटें जो है उनमें आप सोचिए, उद्धव ठाकरे ने तो गठबंधन कर रखा है, संबंधित पार्टी है उसके रखा है, तो आप सोचिए कि वो किस किस को क्या क्या बांटेंगे, खुद कितनी रखेंगे और खुद दूसरों को कितना देंगे। तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है, खुद शरद पवार कभी कहते हैं आज है कल होगा या नहीं होगा, तो वो तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ जोड़ के लिए बना लिया है कि हाँ ठीक है हम साथ साथ हैं, लेकिन शरद कौन सी साथ रहना चाहेंगे अभी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि कर्म लगना चाहिए ताकि हम सब लोग, तो उन्हें नजर आ रहा है इसलिए बुलाई और ये कहा कि बाहर जाकर मीडिया के सामने अलग अलग तरह की बयानबाजी ना करें। लेकिन सबसे पहले तो उनको खुद अमल करना चाहिए ना कि उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो कहना क्या सही था, वो भी ऐसे नेता के लिए जो कद्दावर नेता माने जाते हैं राजनीति में महाराष्ट्र में, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, अगर वो इस तरह की बातें अपने सहयोगी दल के बारे में करेंगे, उसके नेता के बारे में करेंगे, तो सर आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि वो इस गठबंधन में बने रहें? लेकिन फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है। और रही बात कर्नाटक चुनाव के बाद शरद पवार का अति उत्साहित होना, तो वो लाजमी है, वो क्या करें, उनके घर में आग लगी हुई है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नौटंकी कर चुके हैं कि इस्तीफा दिया फिर वापस ले लिया, 3 दिन का समय लिया। अगर किसी को इस्तीफा देना होता है सर, तो क्या वो इतना तामझाम करके इस्तीफा देता है? जहां सब थे, वो जो उनकी किताब का विमोचन का मौका था, कौन कौन नहीं था, सब दिग्गज थे, सारे कार्यकर्ता थे, वहां पर उन्होंने ऐलान किया, वरना अपने घर से आराम से एक चिट्ठी लिखकर एक मैसेज देके खत्म कर सकते थे पूरी कहानी को। लेकिन वो जानते थे कि उन्हें बने रहना है अध्यक्ष की कुर्सी पर, और ऐसे बने रहना है कि एक अच्छा मैसेज अजीत पवार को भी चला जाए, इसीलिए उन्होंने वो मंच चुना। और अब वो कर्नाटक की जीत में अगर अपनी जीत देख रहे हैं, तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी भलाई कांग्रेस के साथ चिपके रहने में ही है, इसीलिए वो महाविकास अघाड़ी जिसको कह रहे थे कि पता नहीं है या नहीं है, उसको फिर से उन्होंने अपने घर पर बुला लिया और बैठक कर ली। बिल्कुल सही बात है। अश्विन जी, मैं संजय राउत के कुछ बयान देख रहा था इस मीटिंग के बाद। उन्होंने एक तो ये कहा कि साहब एमवीए में कोई गलतफहमी नहीं है आपस में, मतलब गलतफहमी नहीं है, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चलती रहती है। नंबर दो, उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक में 40% करप्शन है तो महाराष्ट्र में तो 100% करप्शन है। मतलब
जो भी चुनाव आएंगे, लोकल बॉडीज के हों, विधानसभा हों, लोकसभा हों, इनको एक कांग्रेस ने रास्ता दिखाया कर्नाटक में कि आप 40% करप्शन का मुद्दा उछाल दो। और बहुत सारे कारण हैं ये बहुमत मिलने के और भारतीय जनता पार्टी के हारने के, पर एक कारण ये भी संजय राउत मान करके चलते हैं और महाराष्ट्र में करप्शन को मुद्दा बनाना चाहते हैं। क्या वाकई करप्शन को ये मुद्दा बना पाएंगे, जबकि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या नहीं हुआ है? सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ रुपए की वसूली कराना, देशमुख का गिरफ्तार होना, जेल जाना, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब करीब 1 साल तक जमानत नहीं मिलना, ये सब चीजें लोग भूल जाएंगे क्या कि इनके सरकार के समय किस तरह का माहौल था वहां पर? और अगर वहां कांग्रेस जीती है कर्नाटक में, बीजेपी हारी है, तो यहां क्या महाराष्ट्र में इनके लिए कोई संभावना बन जाएगी? अरे देखिए, ऐसा है, भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए, करप्शन पे बात करने के लिए संजय राउत शुड बी द लास्ट पर्सन। वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पे बाहर है। मुंबई में पत्राचाल का जो उन्होंने घोटाला किया है, 650-700 लोगों को चीट किया है, 1000 करोड़ों रुपए उन्होंने उसमें गबन किए है, ऐसा उनपे आरोप है और ईडी के पास उसके सबूत है, ईडी के पास उसका मनी ट्रेल है, तभी तो जेल गए थे ना, तभी तो इतने महीने जेल में रहे फिर जाके जमानत हुई है। तो जो आदमी जमानत पे बाहर हो उसे भ्रष्टाचार पे बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, सचिन वाजे का मैटर तो है ही, सचिन वाजे के थ्रू इन्होंने जो वसूली की है, महीने का टारगेट दिया था, सब कुछ दिया था, पूरी दुनिया जानती है। उसमें एक बात और है कि महाराष्ट्र में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, चव्हाण नाम था शायद उनका, मैं नाम भूल रहा हूं। वो आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे एमवीए के गवर्नमेंट के समय में, तब उन्होंने हाउस में एक पेन ड्राइव दिया था और उस पेन ड्राइव में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस का रिकॉर्डिंग था। उसमें ये साफ साफ लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो मीडिया ने कहीं चलाया भी वो क्लिप्स। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस वालों को ट्यूटर कर रहा है कि एफआईआर कैसे लिखी जाए। भाजपा के जो नेता है गिरीश महाजन, उनके ऑफिस में वेपन कैसे प्लांट किया जाए, उस पर खून किसका लगाया जाए, गलत झूठे सबूत कैसे बनाए जाए, ये सब देखा है लोगों ने। और ये भी देखा है कि एक मुंबई हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी जिसमें उद्धव ठाकरे की जो संपत्ति है, जो उनकी एसेट्स है, उसके सोर्स के बारे में पूछा गया था। उद्धव ठाकरे का कोई बिजनेस नहीं है, उद्धव ठाकरे कहीं नौकरी नहीं करते, उद्धव ठाकरे का फिर इतना सब कुछ है तो उद्धव ठाकरे के पास इतनी करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई, कहां से उन्होंने ये संपत्ति कलेक्ट करी है, कहां से बनाई है। अब उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तब बोला था कि हम लोग इसमें एक एसआईटी बनाएंगे और एसआईटी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब वो उसका आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। वो जो पिटिशनर है उस पीआईएल की, गौरी भिड़े करके उनका नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील करने वाली है। तो कुल मिला के मामला ये है कि आपके पास सब भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए आपका पास कोई मुंह नहीं है। आपकी पूरी पार्टी, आपके नेता सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, दुनिया देख रही है, आप खुद जमानत पे बाहर हो। और सर सीधी सी बात है सर, आज के जमाने में 500 रुपए कोई उधार नहीं देता किसी को, इनके भी वाइफ को 50 लाख दे दिए, वो भी बिना ब्याज के। ऐसे अगर दोस्त है तो सबको मिले, हमको तो कोई 500 रुपए नहीं देता उधार और इनको 50-50 लाख मिल जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और जैसे नोटिस आता है ईडी का, तुरंत दूसरे दिन आप 50 लाख वापस कर देते हो, जब 9 साल तक नहीं किए, 2 दिन में कैसे वापस कर दिए? अब ये सब जो बातें हैं ना, भ्रष्टाचार का हम प्रचार करेंगे, इस सरकार ये सरकार का भ्रष्टाचार निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, संजय राउत
जैसा वो मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया कि नेताओं ने ऐसे फालतू स्टेटमेंट करना बंद कर देना चाहिए, ये मेरी भी सलाह रहेगी कि भाई साहब आप ये सब बात मत बोलिए, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं कुछ बोलूं, इससे पहले राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के कजिन, वो बोल चुके हैं, मुंबई का मेयर बंगला जो हड़प किया है आपने बाला साहब ठाकरे के मेमोरियल के लिए, वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? आप जो दूसरा बंगला बनाया है आपने, मातोश्री दो मातोश्री टू जो बनाया है उसमें कितनी सारी इरेगुलरिटीज है, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? यदि आप ये शिवसेना बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार निकालोगे तो आपको क्या लगता है ये लोग चुप बैठेंगे? ये तो अभी सरकार में इनके वास्ते पूरे कागजात होंगे, सब सब डॉक्यूमेंट्स इनके पास होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके कल को ये प्रचार में आ गए तो आप क्या करोगे? आपके इतने भ्रष्टाचार है, आपने इतना सब कुछ करके रखा है कि आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि संजय राउत पे इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मेरे को जो बोलना है उठ पटांग सुबह 9 बजे आके मैं मेरे सामने घर के सामने मीडिया वाले आके खड़े हो जाते हैं, बूम पकड़ के मेरे सामने बूम आ जाता है तो मेरे को लाइसेंस मिल जाता है जो मुंह में आया वो बोल देने का। मैं वो करता रहूंगा, मीडिया उसको दिन भर चलाता रहेगा। लेकिन ये सब बातें है ना, ये जब कैंपेन शुरू होता है इलेक्शन का तब इन बातों में कोई मतलब नहीं रहता, इन बातों को कोई उतना सीरियसली नहीं लेता। सीधी सी बात है, यदि आप इनका भ्रष्टाचार निकालोगे, आपके पास आप कहते हो कि आपके पास सबूत है, तो आपको रोका किसने है? सबूत रखो, मीडिया के सामने रखो, आपके हाथ में पेपर है इतना बड़ा, पेपर करो, पेपर में छाप उसको लिखो उसके बारे में, दुनिया भर के टॉपिक्स पे आप एडिटोरियल लिखते रहते हो, इस पर भी एक एडिटोरियल लिख दीजिए। तो ये सब जो बातें हैं ना, संजय राउत क्या बोलते हैं वो उनको ही समझ में आता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो उनको इतना सीरियसली लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये अगर उन्होंने ये बात भ्रष्टाचार की बात कैंपेन में निकाली, शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार की बात अगर उन्होंने कैंपेन में निकाली तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के लेने वाले जैसा होगा। वो मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि पिछले कुछ महीनों में जब से जेल से छूट के आए ना संजय राउत, तब से मुझे ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने ये बात ठान ली है कि कुछ भी करके कुछ भी हो मुझे उद्धव ठाकरे को बर्बाद ही करना है, क्योंकि उनका हर एक स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही जाता है। जो बोलते हैं प्रॉब्लम उद्धव ठाकरे की हो जाती है। अभी परसों एडिटोरियल लिखा, उसमें शरद पवार जी को ज्ञान दे दिया कि आपने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की लेकिन आपने कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं बनाई, आपने आपका उत्तराधिकारी कोई बनाया नहीं, किसी को ग्रूम नहीं किया, आपके बाद पार्टी कौन संभालेगा, ऐसा कोई नेता आपने तैयार नहीं किया, आपके गुट की क्या हालत है राउत साहब वो देखिए। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी के हाथ में दिया था ना पार्टी शिवसेना, क्या कर लिया उद्धव ठाकरे जी ने, कितनी बड़ी हुई उसके बाद, कुछ बड़ी शिवसेना जहां थी वहीं पे है। तो पहले अपने नेता की कैपेसिटी के बारे में सोचिए, अपने नेता का बर्ताव जो है, बिहेवियर जो है वो देखिए, फिर बाद में दुनिया के बारे में बात कीजिए। नहीं तो वैसे भी आपके पास ना पार्टी है ना पार्टी का सिंबल है, भले ही आपको मान के चलो 18 सीट दे दी लोकसभा की, अरे कैंडिडेट कहां से लाओगे? 228 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से मान के चलिए 60-70 आपको दे दी लड़ने के लिए, कैंडिडेट कहां से लाओगे? पहले उसका कुछ तो सोचिए, बाद में ये शिवसेना बीजेपी वो अपना अपना देख लेंगे, शरद पवार अपना देख लेंगे, कांग्रेस अपना देख लेगी, आप अपना देखिए। आप ये कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली बात मत कीजिए, लात आप कुल्हाड़ी पे मारते हो चोट उद्धव ठाकरे जी को लगती है, ये सोचिए आप। अभी उद्धव ठाकरे जी को भी क्यों समझ में आता, ये तो बस भगवान ही बता सकता है। तो उद्धव ये संजय राउत जो बोलते हैं वो अगर वो सो बोलते हैं ना कि मैं ये सब निकालूंगा तो मैं तो चाहता हूं कि वो निकाले, और निकालो भ्रष्टाचार किया है ना ये सर गवर्नमेंट ने तो निकालो भ्रष्टाचार, आप उसके सबूत दो, मीडिया के सामने सबूत रखो और इनको एक्सपोज करो। कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो शिवसेना का नेता हो, चाहे एनसीपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, मैं ये मानता हूं। और यदि आपके पास सबूत है तो आप वो सबूत लेके आ जाओ, हवा में बातें मत करो। वैसे बेसिकली मैं ये कहता हूं हमेशा कि आप पहले पत्रकार है उसके बाद आप राजनेता है। दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, मैंने एक दिन दाऊद को खरी खोटी सुना दी थी, दाऊद मेरे से डरता है। अरे ठीक है, लेकिन आप अभी तो संपादक हो एक पेपर के,
एक पत्रकार और एक संपादक अगर ऐसी बातें करेगा, हवा में बातें करेगा, तो कैसे चलेगा? अपना जो थम रूल होता है जर्नलिज्म का, कि मैं अगर कोई आरोप कर रहा हूं तो मेरे हाथ में उसको कोरेबरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो स्टोरी बनेगी, नहीं तो स्टोरी नहीं बनेगी। मेरे एडिटर ने तो मेरे को यही सिखाया, जब भी मैं स्टोरी लेके जाता था पहले बोलते थे कागज दिखा, कागज दिखाने के बाद मेरे को स्टोरी लिखने को बैठता था, वो कागज नहीं है तो स्टोरी नहीं है, सिंपल। और संजय राउत पत्रकार होके उल्टी बात करते हैं, मतलब सबूत एक भी नहीं है, हवा में बातें। तो अगर उनके पास है तो निकालो, मजा आएगा, ये भी निकालेंगे वो भी निकालेंगे, लोगों का एंटरटेनमेंट होगा, जैसे रोज 9 बजे करते हैं, दिन भर होता रहेगा फिर। लेकिन सर ये संजय राउत ही है ना जो शिवसेना भवन में बैठकर कहा करते थे कि बीजेपी के 3.5 नेताओं के कच्चे चिट्ठे मेरे पास हैं, बीजेपी के 140 नेताओं के कच्चे चिट्ठे मेरे पास हैं, मैं सबकी पोल खोल दूंगा। और फिर उन्होंने तो किरीट सोमैया की पत्नी पर 100 करोड़ के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था, जिसका मानहानि का केस उनके खिलाफ चल रहा है। हाँ। तो उनकी खुद की 11.5 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त करके रखा है, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और आप सोचिए बीएमसी का भ्रष्टाचार, अभी तो पहले बीएमसी के अगले महीने उसके भ्रष्टाचार की तो बीजेपी ने बहुत पहले से पोल खोल कार्यक्रम चला रखा था पूरे मुंबई में, सीएजी उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। तो उस भ्रष्टाचार के बारे, एक बार आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो सबसे पहले बीएमसी का भ्रष्टाचार खुलेगा। कोविड काल में क्या क्या सेंटर बनाए गए थे, जंबो सेंटर, ये सब कुछ खुलेंगे। तो एक बार सही कह रहे हैं अश्विन जी, खोले तो सही, बात करें तो सही भ्रष्टाचार की संजय राउत, उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। अंजू जी आपके पास ही आता हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने इनकी जो पंचायत बैठी थी सिल्वर ओक में, उसके बाद ये कहा है कि कर्नाटक में शरद पवार की पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिले हैं। और जब मैं चुनाव प्रचार के लिए गया था तो मैंने वहाँ मतदाताओं से कहा था कि इनके जो कैंडिडेट हैं इनको आप यहाँ से बांध करके पार्सल करिए और वापस महाराष्ट्र भेज दीजिए, यानी शरद पवार के पास भेज दीजिए। और वहाँ के मतदाताओं ने यही किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिला था पिछली बार, उसमें से केवल 0.40 यानी 1% भी नहीं, 0.5% भी नहीं, उतना घटा है। और वहाँ 1985 से अब तक एक परिपाटी रही है, हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। हमने कोशिश की कि इस बार इस परिपाटी को बदला जाए, हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, बस बात इतनी सी है। पर इसमें अपनी संभावनाएं तलाश करना, ये ऐलान करना कि पुणे में जो एमबीए की आगामी जनसभा होने वाली है उसमें कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को बुला करके हम सम्मानित करेंगे, ये कुछ ज्यादा उत्साहित नहीं हो गए हैं क्या? सर पहले ये तो तय हो जाए कि कर्नाटक में सीएम बनेगा कौन। आप देखिए कि कांग्रेस में कितना घमासान मचा हुआ है, सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे हुए हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए। वो जो अध्यक्ष है कांग्रेस के खड़गे साहब, वो कहते हैं कि आला कमान तय करेगा, उनको आज तक यकीन नहीं हुआ कि आला कमान वो भी हो गए हैं। फिर डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली नहीं जाने वाला, मैं तो किसी फॉर्मूले पे बात नहीं करने वाला। आप सोचिए ये कहा जा रहा है कर्नाटक में कि एक सीएम होगा, फिर 3-4 डिप्टी होंगे, उसके बाद बहुत सारे मंत्री होंगे, फिर वक्फ बोर्ड जो है उसके जो चीफ है उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि देखिए 60-70 सीटों पर तो कांग्रेस हमारी मुस्लिम वोटों की वजह से जीती है, हमको भी एक डिप्टी सीएम चाहिए, हमको भी 5-6 मंत्री चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए। तो शरद पवार साहब को बोलिए थोड़ी खीर को ठंडा होने दें फिर खाएं, वो इतने उतावले क्यों हुए जा रहे हैं? कांग्रेस को खुद नहीं पता कि उनके सीएम कौन बनने वाले हैं, डिप्टी सीएम कौन बनने वाले हैं। वहां कांग्रेस में दो फाड़ ना हो जाए, कल को ये नौबत आई हुई है और उनको लग रहा है कि जो सीएम बन जाएंगे उसको हम एमबीए की बैठक में बुलाकर सम्मानित करेंगे। तो पहले ये सब होने तो दीजिए। और अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी शरद पवार की दिक्कत सर अब ये भी है कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है एनसीपी, एनसीपी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो उनको अपने क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। आप सोचिए एनसीपी का तो पूरे महाराष्ट्र में भी वर्चस्व नहीं है। अगर एनसीपी सच में एक पार्टी होती, अकेले अपने दम पर सरकार बनाई, हमेशा उन्हें बैसाखियों की जरूरत पड़ी और उस पार्टी की बैसाखी का सहारा शरद पवार ने लिया जिससे अलग होकर वो आए थे। आप सोचिए 1998 के आसपास जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी तो क्या मुद्दा था उनका,
विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी के उस पर नाराज होकर अलग आ गए थे और पार्टी बना ली। अगर वाकई उनमें, मैं तो ये कहती हूँ, आत्मसम्मान होता तो कभी कांग्रेस की तरफ देखते भी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जब भी वहां पर कोई सरकार बनी है उसमें भी उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया, आज भी वो कांग्रेस के साथ ही जाना चाहते हैं। अभी देखिए, दो पूर्व कांग्रेसी ममता बनर्जी और शरद पवार दोनों इस वक्त कितने उत्साहित हो रखे हैं कांग्रेस की जीत से कर्नाटक में। ममता बनर्जी भी बदल गई, उनके तेवर में बदलाव आ गया सर। तो ये सोचिए कि इस वक्त शरद पवार, उनको चाहिए कि अगर अपना कद बढ़ाना है तो वहीं पे बढ़ाएं महाराष्ट्र में। और फिलहाल जो दाएं बाएं लोग उनके, जिनको की नोटा है सी उनकी हालत हो गई कर्नाटक में, तो उनको उस पर सोचना चाहिए कि वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, उन्हें अपने क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। और पहले कांग्रेस को तय तो करने दो कि उनका सीएम कौन होगा, उसके बाद बड़े मौके आएंगे, कर लीजिएगा सम्मानित उनको, ये इच्छा भी पूरी कर लीजिएगा, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती रहनी चाहिए। सर एक बात इसमें ये जो कर्नाटक में जो चल रहा है घमासान, उसपे से मेरे को याद आ रहा है कि 2014 में गोवा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। गोवा विधानसभा चुनाव में 2014 में कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी थी, लेकिन कांग्रेस के तीन बड़े नेता, उसमें से एक दिगंबर कामत जो एक चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, तीनों को चीफ मिनिस्टर बनना था और दो तीनों में घमासान चल रहा था, मतलब इतना कि वो कुछ भी कर सकते थे सीएम बनने के लिए। और दिग्विजय सिंह गोवा के प्रभारी थे, वो गोवा में बैठे रहे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसा कि कांग्रेस का कल्चर है, प्रॉब्लम सॉल्व तो गांधी करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। तो गोवा से वो राहुल गांधी जी को फोन पे फोन किए जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तो गांधी परिवार ही है। हाँ एग्जैक्टली। और ये सब जो चल रहा था सर्कस, उसके तीन दिन उसमें वेस्ट हो गए। अब उतने में गडकरी आके जुगाड़ लगा के सरकार बना के निकल लिए। अब कर्नाटक में भी कहीं ऐसा ना हो जाए ये दोनों के झगड़े में बीच अमित शाह कुछ कर दे, बीच में आ गए और सरकार बना ले। अच्छा ये बताइए, ममता बनर्जी का अभी जिक्र किया अंजू जी ने, ममता बनर्जी का एक बयान आया है कि देश भर में कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है, तो वहां तो कांग्रेस को मतलब सपोर्ट किया जाना चाहिए, बाकी लोगों को बिना मतलब अपनी मुंडी वहां नहीं घुसानी चाहिए। और जो बाकी की 345 सीटें हैं, 343 सीटें हैं, वहां कांग्रेस को अपनी मुंडी नहीं घुसानी चाहिए। वहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं, दूसरी पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस को। जयराम रमेश का मुझे बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग, हम मतलब कांग्रेस की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे और ये चाहते हैं कि हम लोग केवल 300 सीटों में सिमट करके रह जाएं और बाकी पर ये लड़ें। पर अब तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि नहीं नहीं 200 सीटों पे ही लड़ो, इससे ज़्यादा पे मत लड़ो। तो आपको लगता है कि विपक्षी एकता हो पाएगी इस तरीके से 2024 के लिए? मेरे लिए सवाल है सर। जी हाँ जी हाँ। देखिए सबसे पहली बात, ये 200 सीटें कौन सी है जहां पे कांग्रेस मजबूत है? और अगर कांग्रेस इन 200 सीटों पे मजबूत है तो उसके सिर्फ 40 सांसद क्यों है? फिर 2014 में ज्यादा सांसद थे, 2019 में कम हो गए, ऐसा क्यों हुआ? और पिछले 5 साल में ऐसी क्या जादू हो गई कि अचानक 200 सीटों पे कांग्रेस मजबूत हो गई? ये पहली बात। 2014 में इनके 44 थे, 2019 में 52। तो ये बची हुई 150 सीटें कौन सी है जहां पे ये मजबूत है लेकिन जीते नहीं? और देखिए ये जो मैं शुरू से कह रहा था कि कांग्रेस चाहती है कि जो भी विपक्षी दलों का गठबंधन हो, जो भी फ्रंट हो, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, जो भी है, वो राहुल गांधी जी के लीडरशिप में हो, जो भी चुनाव हो उसमें प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का फेस राहुल गांधी हो। लेकिन ये बात ममता बनर्जी को मंजूर नहीं है, नीतीश कुमार जी को मंजूर नहीं है, शरद पवार जी को मंजूर नहीं है। अब ये इनका प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि जितनी भी पार्टियां इस गठबंधन में आने की इच्छुक है, उनके सभी के नेता को प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसके नीचे मानने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो ममता बनर्जी ने एक तरह से ये बोल दिया है कि भाई कांग्रेस अगर चाहे तो 200 सीटें ले सकती है और बाकी जो बची हुई सीटें है उसमें हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 200 सीटों पे अगर कांग्रेस लड़ेगी तो क्या उस 150 सीट या 125 सीटें तो जीतने नहीं वाली,
जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मैंने स्टडी किया है, मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस 70-80 से आगे, बहुत हो गया 60-70 तक पहुंचेगी, उसके आगे नहीं जाएगी कांग्रेस कुछ भी हो जाए तो। कहां 200 और कहां 50-60-65 सीटें। तो ये सब जो है ना कांग्रेस को दबाने के लिए ये लोग सब करते रहते हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम ये है कि देखिए ममता बनर्जी क्यों कांग्रेस से अलग हुई, उसका गांधी परिवार के साथ डिस्प्यूट था। शरद पवार क्यों अलग हुए, क्योंकि उनका सोनिया गांधी के साथ डिस्प्यूट था। तो जो रूट कॉज है डिस्प्यूट का वो तो अभी भी कांग्रेस में है, तो वो इस पे कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे? और वही यदि वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो इनका पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। जो रीजन था कांग्रेस छोड़ने का और खुद का पार्टी बना के बंगाल जैसे स्टेट में लगातार तीसरी बार सत्ता में आना, वो पूरा चला जाएगा। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है कि हर कोई, वो इंग्लिश में कहते हैं ना मसल फ्लेक्सिंग, हर कोई अपनी ताकत दिखा रहा है। ममता बनर्जी अपनी ताकत दिखा रही है, नीतीश कुमार अपनी ताकत दिखाएंगे, उधर केसीआर अपनी अलग ताकत दिखाएंगे, उधर स्टालिन अलग से कुछ तो करते रहेंगे साउथ में। अब ये सब इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस को थोड़ा कंट्रोल में रखे सब कुछ, सब मिलके, ताकि आगे चल के राहुल गांधी इनके सर पे आके ना बैठे। और कांग्रेस वाले तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, जैसा आपने कहा कि जयराम रमेश ने तो बोल दिया कि हम लोग इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ लीडरशिप में जाना है तो चलेंगे, नहीं तो आप अलग अलग चलेंगे। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके नेताओं को दिखता है कि यदि हम राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करेंगे तो नुकसान है, फिर भी वो करते रहते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो गांधी नाम हटा देंगे तो उनका अस्तित्व का सवाल पैदा हो जाएगा, मतलब एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है उनका। गांधी अगर कांग्रेस में नहीं रहे तो कांग्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसीलिए कुछ भी करके गांधी को सेंटर पे रखना है, फ्रंट पे रखना है, और उनके पीछे पीछे भेड़ चाल के जैसा जाना है। उसमें फिर जयराम रमेश जैसे इतने इंटेलेक्चुअल टाइप के नेता भी सब कुछ भूल जाते हैं और गांधी, राहुल गांधी के पीछे चलने लगते हैं। इस वजह से होता यह है कि इनका जो गठबंधन है वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। हर कोई शुरू में सब आते हैं, आपने देखा होगा कि कुमार स्वामी का जो स्वेयरिंग इन हुआ था पिछली बार, तब सब लोग इकट्ठे आए थे स्टेज पे, खड़े रहे, हाथ उठा के सबने फोटो वोटो खिंचाई थी, मीडिया ने छापी थी, सब लोगों ने, जो लुटेंस मीडिया है उन्होंने घंटे दो घंटे का डिबेट शो किया था कि बस अब सब कुछ हो गया, अभी तो वापस यूपीए गवर्नमेंट में सरकार बनेगी, ये वो। क्या हुआ करुणा, वो हाथ सब कब नीचे आ गए, छोड़ के सब अपने अपने रास्ते चले गए, इनको भी पता नहीं चला। तो ये सब इनका जो है ना, हर एक को प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों की। और उसके खुद का जो स्वार्थ है, खुद का जो बेनिफिट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है खुद के, उसके आगे इनको ना देश की चिंता है ना किसी और चीज की चिंता है। देश गया भाड़ में, कुछ भी हो जाए देश में, मुझे कुछ नहीं करना। बंगाल में बांग्लादेश से लोग आ रहे, रोहिंग्या आ रहे, सब कुछ आ रहे, आने दो, मैं जब तक चीफ मिनिस्टर हूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही बात हर जगह हो रही है, इसलिए इन लोग का गठबंधन बन हो नहीं पाता। और फिर ये जो अभी शुरू हो जाए, अभी अब तो खाली ये शुरुआत है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इन लोग का जो क्रैक्स है, ये जो अपोजिशन का फ्रंट है, अलायंस है, उसमें जो क्रैक्स जो डेवलप होंगी आगे चल के, वो तो अभी शुरुआत है, ये आगे बहुत कुछ होने वाला है। और अंजू जी, आपको लगता है कि हिमाचल और कर्नाटक के नतीजों के बाद तो कांग्रेस की जो गलतफहमी है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाली है, और वो अपनी शर्तों पर अब विपक्षी दलों से के साथ गठबंधन करेगी या सीटों का बंटवारा करना चाहेगी? क्योंकि भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा और अब कर्नाटक में कामयाबी, हिमाचल में कामयाबी, तो कांग्रेस तो मतलब ऐसे मौकों का हमेशा फायदा उठाती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब विपक्ष का एकजुट होना दूर की कौड़ी हो जाएगी, यानी दिल्ली इनके लिए और दूर हो जाएगी? सर, दिल्ली तो इनके लिए 2014 में भी दूर थी, 2019 में भी दूर थी, 2024 में भी दूर ही रहेगी। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत सर ये कि इस वक्त वो अंदरूनी कलह से हर राज्य में जूझ रहे हैं। मुझे तो कर्नाटक में
उनको कामयाबी मिली, उसके बाद देखिए कैसे बौराए घूम रहे उनके सारे नेता, सबको सीएम बनना है, एक अनार 100 बीमार किस किस को देंगे, कितने सीएम बनाएंगे, कितने डिप्टी सीएम बनाएंगे, कितनों को मंत्री बनाएंगे, हर तरफ से मांग उठ रही है। इस समुदाय को खुश करेंगे या उस समुदाय को खुश करेंगे, लिंगायत को खुश करेंगे, वो कालिगा को करेंगे या मुस्लिम समुदाय को, आप सोचिए। अभी तो कांग्रेस का राजस्थान में हाल देखिए क्या हो रहा है, सचिन पायलट यात्रा पर निकले हुए हैं, वहां एक अलग कहानी हो रही है, वहां भी चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस अपनी शर्तों पर बात करे या ना करे, लेकिन पहले अपने घर को उसको संभालना पड़ेगा। हिमाचल एक बहुत छोटा सा राज्य है सर, 4 सांसद वहां से आते हैं। चलिए कर्नाटक की बात करें तो वहां पे चलो थोड़ा बहुत जोश या कहते हैं कि संजीवनी कांग्रेस को मिल गई है, मान लेते हैं। लेकिन इसके चलते कांग्रेस को सभी राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, वो कांग्रेस की बॉसगिरी समझेंगे या झेलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी ममता बनर्जी की हम बात कर रहे थे, तो ममता बनर्जी आप देखिए कि सागर दिग्गी में जब उपचुनाव हुआ था, उसमें जब कांग्रेस जीत गई थी, उसके बाद आप देखिए ममता बनर्जी के तेवर कैसे थे। ममता बनर्जी को लगने लगा था कि उनका वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो छिटक कर कांग्रेस के पास चला गया, कितनी दुखी हुई थी, क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे। फिर उसके बाद रामनवमी पे क्या हुआ था, क्या कहा था उन्होंने कि जो जहां जहां से वो शोभा यात्रा गुजरेगी उसे मुस्लिम इलाकों से नहीं जाना चाहिए, वरना जो कुछ होगा उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। वो उनका फिर से वो मुस्लिम कार्ड था जो वो हमेशा से खेलती आई है। और फिर अरे वो कितनी डेस्परेट है, कल की घटना से पता चलता है। सलमान खान को बुला करके उनको शॉल ओढ़ा करके सम्मानित कर रही है, मतलब मुसलमानों को किसी भी तरीके से संदेश देने पर आमादा जी। और फिर वो सर आप ये सोचिए कि ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि 200 सीटों पे कांग्रेस मजबूत है, उनको वहां लड़ने दीजिए, बाकी सीटों पर या बाकी राज्यों में उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों को जगह देनी होगी, कुर्बानी देनी होगी कांग्रेस को, ये शर्त ममता बनर्जी ने रखी है। और अधीर रंजन चौधरी का जवाब सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव से पहले तो ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए, कांग्रेस के साथ आना चाहिए, लेकिन कर्नाटक नतीजों के बाद ममता बनर्जी को लगने लगा है कि अब 2024 में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ चिपक जाओ। तो उनका साफ साफ कहना था कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से हटाने में या वहां से खत्म करने में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी भूमिका है, इसलिए उन पर तो हम भरोसा कर ही नहीं सकते। तो ममता बनर्जी जो मुंबई जाकर शरद पवार से मिली थी, पिछले साल से बात है, 2-2.5 साल पहले जब कहती थी कौन सा यूपीए, तब राहुल गांधी के लिए कहती थी तो विदेशी दौरों पे चले रहते, सीरियस ही नहीं है। तो फिर वो ममता बनर्जी उसको कौन सर कांग्रेस में लेना चाहेगा या कांग्रेस में कौन उनके साथ जाना चाहेगा। और ये सब सर वो काठ की हांडी है ना, बार बार नहीं चढ़ती, 2014 में 2019 में चढ़ाकर देख लिया है, ये अभी थोड़े उछले हुए कर्नाटक की जीत के बाद से, उसके बाद इनको लगने लगा है कि मतलब पता नहीं क्या मिल गया हमको, 2024 का रोड मैप तैयार हो गया है, ममता बनर्जी ने खुद ही फॉर्मूला बना लिया कि 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। अश्विन जी कह ही रहे ना, अगर इतनी मजबूत थी तो फिर काय को 52 सीटें आई थी 2019 में, और ममता बनर्जी ने गणित कैसे सेट कर लिया कि 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, ये कौन सा गणित है उनका। तो ये सब सर कहते हैं ना, कुछ भी पा लीजिए, बस गलत फहमी मत पालिए, और इन लोगों ने गलत फहमी पाल ली कर्नाटक को देखते हुए। तो अभी तो देखिए आगे आगे क्या क्या होगा इन लोगों के साथ, अभी तो शुरुआत ही है। बहुत सही बात अंजू जी आपने कही। लास्ट में मैं अश्विन जी, इधर बड़ी चर्चा है कि फार्मूला मिल गया है साहब 2024 का, और फार्मूला क्या है, मुसलमानों को एकजुट करो यानी ध्रुवीकृत करो, और मुसलमान भी ध्रुवीकृत होने के लिए तैयारी बैठे हैं, दूसरा हिंदुओं को बांटो, और तीसरा अरविंद केजरीवाल, और अगर पुराने दिनों को याद करें तो जो अम्मा थी तमिलनाडु में जयललिता, उसके पैटर्न पर बढ़ो और फ्री फ्री की घोषणा करो और चुनाव जीतो। तो ये मुसलमानों को एकजुट करो, हिंदुओं को बांटो, फ्री फ्री की राजनीति करो, क्या ये फार्मूला हो सकता है 2024 के लिए? देखिए, ये फॉर्मूला हो सकता है या नहीं हो सकता ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उस पर से एक अलार्म बेल सबको मिली है कि कर्नाटक में कांग्रेस क्यों जीती, क्योंकि कांग्रेस को करीब करीब 80-82% मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया है। शुरू में ये था कि मुस्लिम कर्नाटक के जो मुस्लिम वोटर्स है वो डिवाइडेड रहते थे कांग्रेस और जेडीएस में,
इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार वो एक साथ मतलब आंख मूंद के उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, और उसकी वजह है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। उसने कांग्रेस ने जो आश्वासन दिए, जो प्रोमिसेस दिए मैनिफेस्टो में, बजरंग दल पे बैन लगाया जाएगा, महिलाओं को फ्री में सफर करने के लिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए फ्री में मिलेगा, ये फ्री वो फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लोगों के बारे में जो कांग्रेस ने आश्वासन दिए थे कि आरक्षण देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके वजह से कांग्रेस के पीछे सारा मुस्लिम वोटर खड़ा हो गया। और ये आई एम सॉरी टू से दिस, ये अपनी हिंदुओं की ट्रेजेडी है। हम लोग एकजुट नहीं होते, जिस तरह से मुसलमान या मुस्लिम समाज या मुस्लिम वोटर्स एकजुट होते हैं अपनी फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, हम लोग ऐसा नहीं करते। आज देखिए वो शफी सादी जो है कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, आज वो मांग कर रहे हैं कि हमारा, हमको एक डिप्टी सीएम चाहिए, हमको होम मिनिस्ट्री चाहिए, हमको रेवेन्यू मिनिस्ट्री चाहिए, हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ये, अब उनका ये दावा है कि भाई 9 मुसलमान कैंडिडेट चुन के आए हैं, उसके साथ हमने अलग से 70-72 जगह पे ऐसा काम किया है कि आपके कांग्रेस के वोट लोग चुन के आए हैं, कैंडिडेट चुन के आए हैं। तो ये इसमें कांग्रेस अब ये फॉर्मूला हर स्टेट में लगाएगी, ये तो होने ही वाला है। अगर अब ये फॉर्मूला है या नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा। अब इसका परिणाम देखिए, इसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने फार्मर्स का लोन पे इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया। 11 लाख फार्मर्स का उन्होंने लोन पे इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया। अब ये रेवड़ी बांटना शुरू हो जाएगा, हर पार्टी रेवड़ी बांटना शुरू कर देगी। ये एक हर एक को अपना, अपनी जगह, अपना स्पेस बचाने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके वजह से अब आने वाले दिनों में हर एक पार्टी यही करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये ठीक है, ये पॉलिटिकली अब हम इसको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फंडामेंटली और प्रिंसिपल के हिसाब से अगर जाएंगे तो ये बहुत गलत होगा। क्योंकि अभी देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया था कि हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 100 यूनिट तक, 150 यूनिट तक, लोगों ने सब फ्री के चक्कर में उसको आम आदमी पार्टी को चुना जिता दिया। आज क्या सिचुएशन है दिल्ली में, वो सब एक एक करके धीरे 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 खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल बर्डन स्टेट पे बढ़ रहा है। इतना मतलब आप जो दिल में आया वो नहीं कर सकते, आपको सारी चीजें देख के करना होता है। लेकिन ये पॉलिटिकल गेम है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अब कांग्रेस ने तो कर दिया है। अब कांग्रेस ने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो कैसे फुलफिल करती है कांग्रेस, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि कर्नाटक का जो ये है क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, वो ये सब अलाउ करता है क्या, वो ये सब परमिट करता है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। और इसके वजह से होगा ये कि हर एक पार्टी अब आने वाले चुनाव में, विपक्ष की हर एक पार्टी स्टेट का फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, ऐसे धमाकेदार मतलब एक के बाद एक ऐसे धड़ल्ले से प्रॉमिसेस करती रहेगी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहां तक इसके पीछे भागे। ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन अभी पॉलिटिक्स में तैयार हो जाएगा, इस खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद। ये शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है, अब ये कांग्रेस ने चालू कर दिया है, अब आगे पता नहीं कौन करेगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, और इसका फायदा होगा या नहीं होगा ये तो अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी और अश्वनी जी ओसीएन नेटवर्क के लिए, इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर अपने बहुत ही अनुभवी विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार।